मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश व खुर्रम रखे और अपने रहम व करम का साया हमेशा आप पर कायम रखे। और आपको तो पता है कि मेरे चैनल का नाम क्या है, जिंदगी के जायके। जिंदगी के जायके में आज मैं क्या लेकर आई हूँ आपके लिए, शक्कर पारे, जो बहुत ही आसान रेसिपी है। और आपने देखा होगा अक्सर बाहर ठेले पे मिलता है, बहुत सारी मक्खियाँ लगी हुई होती हैं, तो हम इतनी गंदी चीज़ अपने बच्चों को क्यों खिलाएं। मैंने सोचा कि इतनी आसान है, मैं आपको घर पे बनाना सिखाऊंगी और आप इसको आसानी से बनाकर और एयर पैक जार में इसको बंद कर आराम से 15-20 दिन महीने तक इसको रख सकते हैं घर में और शाम की चाय पे इंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मैदा। मैं मैदे का बना रही हूँ, आप आटे का भी बना सकते हैं अगर आपके पास मैदा मौजूद ना हो। घी, अगर आप घी ना इस्तेमाल करना चाहें तो आप तेल भी डाल सकते हैं। फ्राई तो मैं वैसे तेल में ही करूँगी, लेकिन ये मैं आटे में डालने के लिए मैंने घी रखा है। चीनी, चीनी का जिसका मैं शीरा बनाऊंगी। इलायची पाउडर, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, ये मैं आटे में भी डालूंगी और चीनी में भी डालूंगी ताकि इसका जायके के साथ साथ खुशबू भी आए। और ये है कलौंजी। कलौंजी जो है मैंने इसलिए रखा, वैसे तो कलौंजी नहीं डालते हैं लेकिन मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी, एक चुटकी। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मुझे जायके के लिए नहीं डालना है, सिर्फ अपनी सेहत के लिए डालना है, समझ रहे हैं। तो मैं एक चुटकी इसमें हमेशा कलौंजी डाल देती हूँ ताकि ये आपको आसानी से हजम नहीं हो जाए, क्योंकि घी है, आपको पता है कि गर्मी हो रही है तो ये सब चीज़ें जो डीप फ्राई चीज़ें होती हैं थोड़ी हेवी हो जाती हैं। तो मैं इसलिए थोड़ी थोड़ी सी चुटकी भर से अंदर कलौंजी डाल देती हूँ। तो अब मैं इसे तैयारी शुरू करती हूँ, ठीक है। चलिए आप आटा गूंदने की तैयारी करते हैं। ये आटा लिए, मैं ये शक्कर हटा देती हूँ, इसका मैं शीरा बनाऊंगी, ठीक है। ये इलायची पाउडर जो मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी। ये आटा जो है ना, मैंने ये वाले जो बड़े कप होता है ना, इसे एक कप लिया, बस थोड़े सा, सिर्फ खुशबू की। बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत तेज़ खुशबू हो जाएगी, तो ये भी गलत है। करंजी, ये आप चाहें तो इसमें दो शेर पड़ के भी डाल सकते हैं, बस थोड़ा सा। ये मैं हेल्थ के लिए डाल रही हूँ, लेकिन कितना कम है, बस चुटकी भर समझ लेना। इसके बाद ये ऑयल, हाथ धो लीजिएगा, मैं हाथ धोकर आई हूँ। पहले मैंने थोड़ा डाला है और आप देख लीजिएगा अंदाज से डालेंगे। पहले हम इनको मिक्स कर लेंगे आपस में अच्छे तरीके से, बिल्कुल ये मिक्स होता है। इससे खस्ता बनेंगे हमारे। अभी मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, पहले मैं अच्छे तरीके से इन चीज़ों को मिक्स करूँ। छोटे छोटे टिप्स है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छी बनेंगी, आपको कोई परेशानी होगी और बाज़ार जैसा आपको ऐसा लगेगा बाज़ार से ख़रीद के खा रहे हैं। हमें इसको ऐसे चेक कर अच्छे से, बिल्कुल मैं इसको मिक्स कर रही ताकि थोड़ा खस्ता बने। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी घी और डालना पड़ेगा, बस। अब इसके बाद आपने देखा, लेकिन अभी इसको गूंदा तो नहीं है ना मैंने, अभी तो सिर्फ घी से इसको मिलाया है। अब इसकी जो बारी है पानी डाल के इसको गूंदने की, थोड़ा सख्त आटा गूंदेंगे हम इसके लिए। रोटी का जैसे नरम आटा होता है वैसे नहीं गूंदना, सख्त गूंदना है। अपनी चीज़ों का ख्याल रखिएगा, आस्तीन वगैरह, हाथ धोना, ये बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों का, ठीक है। आटे में पानी डालते वक्त देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, एकदम से बहुत ज़्यादा पानी अगर चला गया तो आटा गीला हो जाएगा आपका। सख्त आटा गूंदना है ना मुझे, गीला तो नहीं करना। अब इस तरह मैं इस आटे को गूंद लूँगी, सख्त आटा गूंद के 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी। मैं इसको चेक करती जा रही हूँ, अभी तक इसकी बाइंडिंग शुरू नहीं हुई, अभी टूट रहा है, इसका मतलब है पानी की ज़रूरत है इसमें। हाथ में सर लेके डालेंगे ना, अगर ज़्यादा पानी गिर जाएगा तो आपसे कम भी कर सकते हैं ना, अगर डायरेक्ट डालेंगे तो एकदम से ज़्यादा गिर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये थोड़ी थोड़ी सी बाइंडिंग शुरू हुई है इसकी, अभी इसमें पानी की थोड़ा और ज़रूरत है। सो गूंदकर 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ताकि आटा सेट हो जाए। आटा को 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे तो ये और सेट हो जाएगा।
ढक के रखिएगा, ढक के से छोड़ दीजिएगा। देखिए मैं इसे छोड़ रही हूँ, सही देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट मैंने छोड़ दिया था इसको, 15 मिनट के बाद मैं इसको भूनने की तैयारी कर रही हूँ। आटा नहीं लगाना है इसको क्योंकि तेल में आटा गिरेगा ना तो तेल गंदा हो जाएगा हमारा, इसको ऐसी पीटनी है क्योंकि मैं तेल घी लगा हुआ ना तो ये चिपकेगा नहीं, ऑलरेडी इसमें घी डाला हुआ है, बस आपको फैलाना है इसको। ये देखिए जिस तरह चाहें आप शेप दे दें, त्रिकोण बनाएं, लंबाई में बनाएं, जिस तरह चाहें बनाएं। मैं हाथ धो कर आई हूँ अभी, ठीक है आप भी अपने हाथ धो लीजिएगा। मैं इसको मोटा बनाऊंगी, ये रोटी की तरह बारीक नहीं मिलेगा क्योंकि शक्करपारे देखा है ना बड़े बड़े होते हैं बने हुए, गोल गोल से होते हैं, तो मैं थोड़ा मोटा दे दूँगी इसको। अगर आप इसको यूँ कर दें ना शेप दे दें चकोर, तो ज़ाया भी नहीं होगा, एक जैसे बन जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि ये रोटी गोल बने, ये गोल रोटी नहीं बन रही है, हमें ऐसे कटिंग करनी है ना। हो गया, अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ से करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह चाहें उसको शेप दें, मैं लंबाई में काट रही हूँ पहले, बहुत ज़्यादा ना मोटे ना बहुत ज़्यादा पतले, ताकि देखने में भी अच्छे लगे ना, जब हम किसी के सामने रखें तो उनकी आँखों को भी तो अच्छा लगना चाहिए ना, खूबसूरत लगे। ये देखें कितने आराम से कट जा रहे हैं ना, ये देखिए इसको जब फ्राई करेंगे ना बहुत खोलते तेल में नहीं डालना इसको, ये लंबाई में कटिंग होगी, अब इसका साइज बहुत लंबा है फ्राई करने में प्रॉब्लम होगी, तो ये मैं 20 से इसको आधा कर दे रही हूँ, बस इसकी कटिंग कंप्लीट। अब हम चूल्हे के पास जा रहे हैं, ठीक है फ्राई करना शुरू करेंगे और हम शीरा तैयार करेंगे। देखिए ये चीनी मैंने रखा हुआ है पैन में, अब इसमें पानी डाल के शीरे की तैयारी करते हैं। चूल्हा जला लिया मैंने, बिस्मिल्लाह पढ़कर, और पानी जो डालेंगे तो अगर आपने एक कप चीनी है, ये एक कप चीनी है, एक कम से थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा ताकि शीरा अच्छे से पक जाए, सही है। ये देखिए कार बनाना है हमें शीरे का, ठीक है, अब इसमें जो है थोड़ा सा हम इलायची पाउडर डालेंगे, जिस जो हमने उसमें डाला था खुशबू के लिए, बस बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना वरना कड़वा हो जाएगा। इसके बाद हम अब जब तक शीरा तैयार हो रहा है हम तेल गर्म करते हैं, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना तेल को, हल्का गर्म कीजिएगा ताकि ये धीमे धीमे आँच पे पकेगा। अब हमारा तेल गर्म हो गया, हल्का गर्म, हम इसे डालना शुरू करते हैं। ये देखिए हो गया ना, चूल्हा कम कर दीजिएगा, इसको डाल दीजिएगा, एक साथ में सारे डाल दूंगी, कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि चिपकते नहीं हैं आपस में, बस पकते रहेंगे धीमे धीमे, ये हल्की आँच पे इसको पकाना है मुझे अच्छे से ताकि फ्राई हो जाए और अंदर तक सिक जाए, कच्चे ना रहें। तेल अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसको ठंडा कर लीजिएगा। चिपकेंगे नहीं, बिल्कुल फिक्र ना करें, ये पैन के हिसाब से जितना डाल सकते हैं आप डाल लीजिए, ये आराम से फूलते जाएंगे और ऊपर आते जाएंगे। मैंने सब डाल दिया एक साथ, ठीक है, जब इनकी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी ना, जो नीचे बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग ख़त्म हो जाएगी फिर ये धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, फिर हम इन्हें फ्राई करके निकालेंगे। अब मैं इसको हल्की हल्की आँच में फ्राई करूँगी, कम से कम 10 से 15 मिनट, 10 मिनट तो लगना ही लगना है। देखें 10 मिनट से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, अब ये देखें इसका कलर आना शुरू हो चुका है, हल्का गोल्डन सा कलर आ गया, अब बस थोड़ा नहीं बिल्कुल ज़रा सा इसको कलर देखें फिर मैं इसको निकाल दूँगी। और शीरा देखें, शीरा भी पक रहा है, इसको शीरे में डाल के
सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए पकाना है मुझे, ताकि शीरे की इसके ऊपर कवर हो जाए पूरा। और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसको आप बर्नी में करके रखेंगे, डिश आउट करते वक्त इसका ठंडा करके रखिएगा। बस मैं इसको निकालने जा रही हूँ। अच्छे से कलर से देखिए आ गया ना, गोल्डन कलर आ गया ना इसका अच्छा सा। बस और ये क्रिस्पी भी हो गया। मैंने चूल्हा बंद कर दिया, मैंने इसे निकाल दिया। नमक पारे भी तकरीबन इसी तरह ही बनते हैं, किसी दिन वो भी सिखाऊंगी आपको। आज तो मैंने मीठा सिखाया ना आपको, किसी दिन नमक पारे भी सिखाऊंगी। उसमें निकाल दिया, ठीक है। अब हम शीरे की तरफ सकते हैं। अब मैं इसको निकालने के बाद शीरे को देखूँ। शीरा खूब देखें, खूब जोश मार रहा है। देखें शीरा खूब तेज़ी से खोल रहा है ना। शीरा भी तैयार हो चुका है तकरीबन। अब मैं इसको शीरे में डाल के पकाऊंगी थोड़ी देर तक, ताकि शीरा इसके अंदर चला जाए। और जब ये ठंडा होगा तो शीरे की वजह से ये क्रिस्पी हो जाएगा, और ज़्यादा सख्ती आ जाएगी ना चीनी में, ठंडा नहीं बस सख्त हो जाता है ना। सही है। अब मैं इसको डाल दें, बिस्मिल्लाह, एहतियात से डालिएगा, गर्म है बहुत। इसको शीरे में पकाऊंगी, तेज़ आँच पे पकाऊंगी फटाफट, ताकि शीरा सूख जाए बिल्कुल। ये देखें ये बिल्कुल ड्राई हो गया, ये चीनी अब खुश्क हो गई है, इस पर चीनी का कवर हो गया, जैसे बाज़ार में मिलता है ना बिल्कुल वैसी हो गया। अब मैं इसका चूल्हा बंद करके इसको ट्रे में डालूँगी ठंडा होने के लिए। अच्छा ये ठंडा हो गया, लग रहा है ना बाज़ार जैसा, जैसे आपने ठेले पे देखा होगा अक्सर पठानों के। ये देखिए इसको इस तरह छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसको किसी भी एयर टाइट बर्नी में पैक करके इसको रख सकते हैं और शाम की चाय पे एंजॉय कर सकते। देखिए अब हमारी ये बेहतरीन शक्करपारे जो हैं वो तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना भरा है ना बिल्कुल बाजार की तरफ, और ये खराब भी नहीं हुआ। इसको आप आराम से किसी भी जार में 15 से 20 दिन के लिए आराम से रख सकते, शाम की चाय पे अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, गेस्ट के साथ उसको एंजॉय कर सकती है। ना कितनी आसान रेसिपी, और बाजार के तो बहुत ही ख़राब होते हैं ना, बाजार की चीज़ें तो वैसे भी खराब नहीं होती, घर के बने हुए साफ सुथरे खाने खाएं भी और खिलाएं भी। ये सब मैंने इसमें डाल दिए, इसको बनाएं और शाम की चाय पे एंजॉय करें अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने गेस्ट जो आपके मेहमान आए उनके साथ चाय पे उनको दें। और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि वैसे पसंद तो आया होगा आपको। और लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी जो भी चाहे आप मुझसे। अगर कुछ सीखना चाहते हैं आप तो वो भी कह सकते हैं, मैं उसको भी बताऊँगी आपको। और उसको ज़रूर ट्राई करें, और मुझे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए शासन।